नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। बिहार एग्जाम्स में एग्जामपुर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे आपको पता है कि मार्च में लगातार कोई ना कोई डे हो ही रहा है। आज कौन सा डे है? तो आज साथियों विश्व क्षय दिवस है। साथियों अर्थात हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड आपका टीवी डे है। तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे, 24 मार्च 2022 है आज। साथियों हम लोग बात करेंगे कि साथियों क्षय दिवस क्यों मनाया जाता है और क्षय दिवस मनाने के पीछे रीजन क्या है, और साथियों विश्व का टारगेट क्या है कि कब तक टीबी रोग को पूरे विश्व से समाप्त किया जाएगा, और भारत कब तक मतलब क्षय को मतलब टीबी को समाप्त करेगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो एक बार सभी मित्र वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्र तक वीडियो को जरूर पहुंचाए। नए मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं विश्व क्षय रोग दिवस। तो साथियों 24 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है, और आज बात करेंगे कि इस वर्ष का थीम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। कि साथियों 24 मार्च को क्या हुआ था कि 24 मार्च 1882 की बात करते हैं कि साथियों 24 मार्च 1882 में क्या हुआ था कि टीबी के जो बैक्टीरिया है, टीबी कैसे होता है, क्षय रोग की बात करते हैं, ये साथियों जीवाणु जनित रोग होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है। और साथियों बात करते हैं 1882 में 24 मार्च 1822 में क्या हुआ था, रॉबर्ट कुक ने क्या किया था कि इनकी बैक्टीरिया की खोज की थी, क्षय रोग की बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कुक ने किया था। इसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इसका नाम है। और साथियों इसीलिए इसको टीबी भी कहा जाता है, टीबी याद रखेंगे, टीबी मतलब देखने वाला, टीबी की बात नहीं करो, ये टीबी है और दूसरा होता है जो हम लोग देखते हैं, टीबी होता है। ठीक है, तो साथियों इसीलिए 24 मार्च को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक साल हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व क्षय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस बार की बात करते हैं, 2022 का थीम पूछा जाता है, 2022 का थीम आपसे पूछे तो क्या करोगे, क्या जवाब दोगे, तो आप लोग को बताना है। इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइफ, मतलब क्या है इस बार का जो थीम है आपकी स्क्रीन पर है, इन्वेस्ट टू इंड टीवी सेव लाइफ। तो साथियों टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें और जीवन को बचाएं, जान को बचाएं, तो इस बार 2022 का थीम था। ठीक है साथियों, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग बात करते हैं साथियों कि WHO ने घोषणा किया कि साथियों संसार से क्या करना है, टीबी रोग को समाप्त करना है। तो साथियों इन्होंने घोषणा किया कि 2030 तक, एग्जाम में पूछा गया है WHO ने कब तक पूरे संसार से टीबी मतलब क्षय रोग को समाप्त करेगा। तो साथियों इनका टारगेट है 2030 तक टीबी को खत्म किया जाएगा। रीजन क्या है साथियों, प्रत्येक साल 15 लाख से अधिक लोग क्षय रोग से काल के गाल में समा जाते हैं, अर्थात प्रत्येक साल 15 लोग की जान क्षय रोग से हो जाती है, और उनमें से 1/4 की बात करते हैं तो साथियों भारत में लगभग 1/4 लोगों की मृत्यु, अर्थात 3 लाख से अधिक लोगों की जान सिर्फ भारत में चली जाती है। और तो साथियों WHO ने 2030 तक क्षय रोग को समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन एक कदम आगे हमारे भारत सरकार 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि भारत से टीबी रोग को 2025 तक हम लोग समाप्त कर देंगे, 2025 में समाप्त कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो। तो आगे हम लोग बात करते हैं, टीबी को वैश्विक आपातकाल भी घोषणा किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, टीबी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया गया, तो क्या बताएंगे, टीबी रोग को WHO ने टीबी रोग को साथियों ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया गया,
तो आप लोग क्या बताओगे, कब घोषित किया गया कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप साथियों क्या बताओगे? तो नोट करेंगे कि भारत की अगर हम बात करते हैं कि साथियों सॉरी पूरे विश्व में WHO ने 1993 में 1993 में साथियों हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, और साथियों 29 साल से अभी तक हेल्थ इमरजेंसी भी जारी है, क्योंकि साथियों आप लोग जानते हो 15 लाख से अधिक लोग क्षय रोग से मर जाते हैं, इसीलिए समाप्त करने के लिए साथियों हम लोग के भी क्या है कि भागीदारी होना बहुत जरूरी है। अब साथियों हम लोग बात करते हैं इससे क्या प्रभाव होता है, क्या इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्षय रोग की अगर हम बात करते हैं हमारे फेफड़ा को ये प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत, अगर मान लिया जाए एक सप्ताह से अधिक दिनों तक की अगर खांसी हो जा रही है और खांसी के साथ साथ आपके मतलब कह सकते हैं माउथ से ब्लड निकल रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, इशारा क्षय रोग की और इशारा किया जा रहा है। तो साथियों आप देख सकते हो फेफड़ा में क्या होता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, ये साथियों क्षय रोग का ये क्या है कि होने का ये संकेत दे रहा है, आप ट्रीटमेंट जरूर कराएं और डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। चले आगे हम लोग बात करते हैं क्षय रोग के बारे में और कुछ इंपोर्टेंट चीजें, साथियों हम लोग बात कर लेते हैं क्षय रोग के बारे में कि साथियों सरकार 500 रुपये की भत्ता भी दे रही है, 500 रुपया जो क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है क्षय रोग को समाप्त करने के लिए 500 पर मंथ जो है साथियों भत्ते भी दे रही है, और इनका ट्रीटमेंट की बात करते हैं अगर किसी को क्षय रोग हो जाए तो साथियों इनका 3 स्टेप होता है, प्राथमिक फर्स्ट स्टेप में साथियों जल्दी से क्योर हो जाते हैं, सेकेंड स्टेप की अगर बात करते हैं सेकेंड स्टेप में थोड़ी दिक्कत होती है, थर्ड में तो राम राम सत्य ही हो जाता है। तो साथियों अगर किसी को ऐसा लक्षण लगे शरीर में कह सकते हो कि बहुत मतलब वीकनेस फील हो, वजन में कमी हो, खांसी बार बार आ रही है, तो आप ट्रीटमेंट जल्दी कराए, नहीं तो फिर भगवान के प्यारे हो जाएंगे। तो साथियों और एक कदम और तो क्या है, यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और कदम उठाया है कि जो भी अगर क्षय रोग से पीड़ित बच्चे हैं उनको गोद लेने की बात कही गई है और उनके सारे खर्च यूपी सरकार बियर करेगी, और साथियों भारत में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इनका इलाज 6 से लेकर 9 महीने तक इनका इलाज होता है, ट्रीटमेंट की दवाई जो है 6 to 9 month तक इनकी दवाई चलती है और सरकार 500 रुपया भत्ता भी देती है। चले भाई तो बहुत अच्छी बात है, रोगियों को पोषण भत्ता 500 रुपया दिया जाता है। आज के लिए इतना ही साथियों, क्लास कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ अर्थात कल सुबह 6:30 तक। आप लोग सभी मित्र वीडियो को शेयर अवश्य करें और लाइक भी करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, जय बिहार, वंदे मातरम।